हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। बेसिकली द थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर बेस्ड ऑन टू थ्योरीज। फर्स्ट इज द ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड द क्विनोनाइट थ्योरी, सेकेंड इज द क्विनोनाइट थ्योरी। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड Ostwald theory. According to the Ostwald theory, the indicators are basically weak acidic and weak basic in nature. So हम लोग यहाँ Ostwald theory के accordingly जो weak acidic और weak basic indicator हैं उनका example लेके we can understand how the theory of indicator work in a acidic and basic solution. So first I will take the example of phenolphthalein. फिनोथिलीन का एग्जांपल लूंगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं फिनोथिलीन को HPH के फॉर्म में, एंड इट विल बी आयोनाइज्ड इन H+ आयन। आफ्टर आयोनाइजेशन इट विल गिव द H+ आयन एंड फिनोथिलीन माइनस आयन। ये जो फिनोथिलीन अगर एन आयनिक फॉर्म में होता है सॉल्यूशन में देन इट इज अ कलरलेस के फॉर्म में होता है, अगर ये आना है तो। अगर ये सॉल्यूशन में अनआयनाइज होता है तो कलरलेस होता है, अगर ये फिनोथिलीन सॉल्यूशन में आयनाइज होता है देन इट विल गिव द पिंक कलर। तो ये सॉल्यूशन में पिंक कलर जनरेट करता है। इसको हम लोग एसिडिक और बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एसिड और बेस के एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड समझते हैं। जस्ट हियर आई एम टेकिंग द HCl। अगर ये फिनोथिलीन एसिड के अंदर है जस्ट लाइक एसिड HCl से एसिड, HCl की सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है आयोनाइज होगा देन इट विल गिव द H+ आयन और प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन माइनस। सो बोथ फिनोथिलीन आफ्टर आयोनाइजेशन इट विल गिव द H+ आयन और जो HCl है ये भी आयोनाइज होकर H+ आयन देता है सॉल्यूशन में, मींस बोथ आर गिविंग द H+ आयन आफ्टर आयोनाइजेशन। सो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट common ion are here. So due to the common ion effect, you know that in a common ion effect condition what happened, more acidic, just like HCl is a strong acid, so more acidic substance are the fastly ionized in a solution, it will be fully ionized in a solution and it will capable to generate the H+ ion in a solution. जो common ion effect होता है, इस common ion effect के कारण, common ion के कारण दोनों phenolphthalein भी ionized होकर H+ ion दे रहा है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी आयनाइज होकर H+ आयन दे रहा है। सॉल्यूशन में H+ आयन देने के लिए दोनों ही कैपेबल है, लेकिन ये वीक एसिडिक नेचर का है जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है। सो इन कॉमन आयन इफेक्ट यू नो दैट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कैपेबल टू जनरेट अ आयन इन अ सॉल्यूशन फास्टली, मींस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विल मूव, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयनिक फॉर्म इन अ सॉल्यूशन एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विल सप्रेस द आयनाइजेशन। तो यहां पे जो फिनोथिलीन है इसका आयोनाइजेशन सप्रेस्ड हो जाएगा, ये आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन ये HCl है आयोनाइज होकर H+ आयन जनरेट करेगा सॉल्यूशन। तो जब हमारा इंडिकेटर यदि सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है तो कैसा कलर होगा, सॉल्यूशन का जो कलर होगा इट इज अ कलरलेस, सॉल्यूशन में नो कलर्स होगा, कलरलेस। सो एसिडिक सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट के कारण रेट ऑफ आयोनाइजेशन will produce, means ions will produce, H+ ion will generate in a solution by only the HCl, and the phenolphthalein are present in an anionic form, it will be present in an anionic form in a solution. So finally, it will not show any color in a solution. दूसरी तरफ यदि हम इस phenolphthalein को basic solution में लेते हैं, basic solution यानी आपको पता है basic solution का मतलब है कि just I am taking in a NaOH is a base, sodium hydroxide का simple सा example लेता हूँ मैं। NaOH के अंदर मैं इसलिए को लेता हूँ, आपको पता है NaOH का जब ionization होता है तो Na plus और OH minus generate होता है, OH minus plus sodium plus ऐसा generate होता है, and OH ion will form after the ionization of NaOH. NaOH being strong base है, then after ionization it will form the OH minus ion.
आयनाइज होकर ये OH माइनस आयन जनरेट करेगा। जब ये OH माइनस आयन जनरेट करता है देन इट रिक्वायर्ड द H प्लस आयन। H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिलकर एक दूसरे से क्या जनरेट करते हैं, दे विल प्रोड्यूस द वाटर। सो वाटर बाई प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस वेरी फास्टली इन अ सॉल्यूशन। मींस जो ये फिनोप्थिलीन है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आयनाइज होने के लिए ये OH आयन जो है इट विल बी जस्ट वर्क एज ए इनिशिएटर। सो द आयनाइजेशन विल बी टेक प्लेस एंड द H प्लस आयन विल बी फॉर्म। मींस द फिनोप्थिलीन है वो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और फिनोप्थिलीन जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये वाटर जनरेट होता है बाई प्रोडक्ट। सो फाइनली व्हेन फिनोप्थिलीन आर प्रेजेंट इन अ आयनिक फॉर्म इन अ सॉल्यूशन देन योर सॉल्यूशन विल गिव द प्रोड्यूस द रेड कलर। रेड कलर प्रोड्यूस करता है और वी कैन से पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। पिंक कलर विल प्रोड्यूस। सो फिनोप्थिलीन विल शो द पिंक कलर इन अ आयनिक फॉर्म एंड इन अ अनआयनिक फॉर्म इट विल प्रोड्यूस द colorless, it not shows the color in the solution. So it is a basic theory of produced by the Ostwald, basic theory which behind the phenolphthalein are given by the Ostwald. दूसरा एग्जाम्पल ले हम लोग एक मिथाइल ऑरेंज का एग्जाम्पल। जस्ट वी कैन डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का एग्जांपल लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं मैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का। चूंकि मिथाइल ऑरेंज जो है एक वीक बेस है, ये मिथाइल ऑरेंज आयनाइज होता है तो सॉल्यूशन तो क्या जनरेट करता है, OH माइनस एंड मिथाइल प्लस। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें जस्ट लाइक एसिड HCl के अंदर, तो आप देख सकते हैं HCl विल जनरेट द H प्लस आयन and the chlorine minus ion. So water will be produced here in a byproduct. Water will be fastly converted into the H plus ion OH ion say. Means the reaction will initiate the ionization of methyl orange indicator. And methyl orange indicator will be ionized form mein hota hai, to ye red color generate karta hai. In a ionic form when methyl ion orange are present in ionic form when it will be ionized then it will show the red color in solution. मीन्स बोलने का ये है कि ये हमेशा याद रखिए कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है इट विल शो द रेड कलर। लेकिन यदि हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, मिथाइल ऑरेंज इन अ बेसिक सॉल्यूशन, सो बेसिक सॉल्यूशन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन वी विल टेक द इनसाइड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होकर क्या जनरेट करता है, Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस को मैं यहां लिखता हूं क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट जनरेट करता है। सो OH माइनस एंड Na प्लस, सो इट विल जनरेट अ बाई प्रोडक्ट वाटर इज हियर। सो व्हेन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वी विल टेक इनसाइड द बेसिक सॉल्यूशन लाइक NaOH, सो इट विल नॉट शोज आयनाइजेशन ड्यू टू द कॉमन आयन। कॉमन आयन इफेक्ट क्या वर्क करना है, मिथाइल ऑरेंज भी आयनाइज होकर क्या जनरेट करना है, इट विल ऑल्सो जनरेटिंग अ OH आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये भी जनरेट कर रहा है OH आयन। और आपको पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट में जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वही आयनाइज होता है। सो द OH आयन सॉल्यूशन विल जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल ऑरेंज विल बी प्रेजेंट इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म इन ओवरऑल सॉल्यूशन। सो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जब होता है मिथाइल ऑरेंज देन इट विल शो द येलो कलर। येलो कलर तो आपको ये याद रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो बेसिक सॉल्यूशन में अनआयनाइज फॉर्म में होता है और मिथाइल ऑरेंज का जो अनआयनाइज फॉर्म होगा येलो कलर देता है। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज आयनाइज होता है एंड इट विल गिव द पिंक रेडिश कलर इन द सॉल्यूशन। पिंक और रेडिश कलर इट विल प्रोड्यूस्ड। सो इट इज अ ओस्टवर्ड थ्योरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरी नंबर टू, इट इज अ क्यूनोनाइट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज अ क्यूनोनाइट थ्योरी।
क्यूनोनॉइड थ्योरी में भी हम लोग यही दोनों एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू द क्यूनोनॉइड थ्योरी जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर्स आर हैविंग द टू फॉर्म्स, वन इज अ बेंजोनाइडल फॉर्म एंड क्यूनोनॉइडल फॉर्म. हम लोग पहले फिनोक्सिलिन का एग्जांपल लेते हैं. फिनोक्सिलिन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ. फिनोक्सिलिन में ऐसा बेंजीन रिंग लगा हुआ होता है, अंडर रे डबल बॉन्ड्स होते हैं, लोहे चीज ही है. नेक्स्ट इन अदर साइड ऑल्सो वन बेंजीन रिंग इज हियर, OH is here. ये जो होता है बेंजीन, जो होता है थर्ड बेंजीन, इट विल बी अटैच फ्रॉम द सी डबल बॉन्ड O एंड द ऑक्सीजन इज लिंक्ड हियर. सो इट इज द ऑक्सीजन एक्चुअली विच विल लिंक फ्रॉम. इसको हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग बेंजोनाइडल फॉर्म. इसको बोलते हैं बेंजोनाइडल फॉर्म. ये बेंजोनाइडल फॉर्म है, बेंजीन है ये सारे. अगर ये बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड यदि ब्रेक होता है, जस्ट यू विल ब्रेक दिस बॉन्ड, देन व्हाट हैपेंड, द टोटल मॉइटी इज कन्वर्टेड इनटू द क्यूनोनाइडल फॉर्म. ओके, आप इसको देखें, ये वाला बॉन्ड यदि मैं ब्रेक करता हूं, देन व्हाट हैपेंड इन दिस कंडीशन, इट विल बी शिफ्टेड. ये डीस्टेबलाइज होता है कार्बन, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बी शिफ्टेड हियर एंड द प्रोटॉन विल बी इलिमिनेटेड नाउ. सो फाइनली यू कैन राइट डाउन माइनस एच प्लस. ये प्रोटॉन को हमने बाहर निकाला, इस प्रोटॉन को, देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द एक मिनट जस्ट आई एम शोइंग नॉट वेरी. ये जो डबल बॉन्ड यहां था मैं उसे शिफ्ट कर देता हूं, जैसे मैंने दिखाया है, एंड द डबल बॉन्ड इज हियर ऑलरेडी. सो इट इज अ क्यूनोनॉइड फॉर्म. ये जो बेंजीनॉइडल फॉर्म है, इसमें ये पीनो बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग में ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ, वो बॉन्ड इज अटैच्ड फ्रॉम द कार्बन. व्हेन वन प्रोटॉन इज इलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन, देन इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, द बॉन्ड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द अदर साइड, जस्ट लाइक अ वन बॉन्ड विल बी जनरेटेड हियर. सो व्हेन द डबल बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम दिस साइड, देन इट विल बी शिफ्टेड हियर एंड दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड एट दैट टू कार्बन पोजीशन. सो फाइनली ये स्ट्रक्चर जनरेट होता है. ये तो प्रोटॉन के निकलने के कारण ये डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है. यहाँ पे कार्बन से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन का, देन वन डबल बॉन्ड विल बी फॉर्मड हियर, जो कि डबल बॉन्ड शिफ्टिंग के लिए इसको आगे मूव करवाता है, इसको आगे इनिशिएट करता है. देन इट विल बी शिफ्टेड हियर एंड दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड एट दैट टू कार्बन पोजीशन. सो फाइनली रेजोनेटिंग प्रोसीजर मेथड के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, द बेंजोनाइडल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द क्यूनोनाइडल फॉर्म. जो ये बेंजोनाइडल फॉर्म है ये कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और जो क्यूनोनॉइडल फॉर्म है ये पिंक कलर देता है. सो द फिनोक्सिलिन का ये क्यूनोनॉइडल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स, द बेंजोनॉइडल फॉर्म व्हिच जनरली शोस द नो कलरलेस सॉल्यूशन एंड द क्यूनोनॉइडल फॉर्म बिकॉज द आयंस आर देयर. आपने पहले भी देखा है जो ओस्टवाल्ड थ्योरी था, उसमें जो आयनिक फॉर्म होता था वो पिंक कलर जनरेट करता था, और जो अनआयनिक फॉर्म होता था वो कलरलेस होता था. तो वैसे ही चीज अनआयनिक फॉर्म, बेंजोनाइडल फॉर्म जो होता है अनआयनिक होता है. तो सर जो आपका कंपाउंड है जो वो आयनाइज नहीं होता है, इसके कारण ये कलरलेस होता है. बट व्हेन इट विल बी आयनाइज, व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयनिक फॉर्म, व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्यूनोनॉइडल फॉर्म, देन इट विल गिव द पिंक कलर. इट विल गिव द पिंक कलर. तो ये क्यूनोनॉइडल थ्योरी है. क्यूनोनॉइडल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इट इज एग्जांपल ऑफ फिनोक्सिलिन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दीज फॉर्म्स थ्रू द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. ये फिनोक्सिलिन इंडिकेटर था. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का भी हम लोग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं. जस्ट लाइक मिथाइल ऑरेंज हैविंग द नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा बेंजीन होता है, डाइमिथाइलामाइन अटैच होता है यहाँ पे फ्रॉम द वन कोर,
on other side it will be attached from the aromatic ring SO3 molecule. So it is a basically benzenes are a benzenoidal form. ये बेंजीनोइडल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं एक प्रोटॉन को यहां पे अटैच कराता हूं H+, देन व्हेन प्रोटॉन विल कम एंड अटैच हियर देन द बॉन्ड विल बी शिफ्टेड डाउन. कैसे? यदि ये प्रोटॉन को मैं यहां पे अटैच करा दूं तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा. And the other double bond which are present between these two carbon, it will be shifted here. तो मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. इधर बनाता हूं थोड़ा सा जगह पे, ये देखिए नीचे बना रहा हूं बिकॉज स्पेस यहां पे थोड़ा कम है. SO3 है, नेक्स्ट इज शिफ्टिंग में करता हूं. यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, देन N इज हियर डबल बॉन्ड, फिर से ये एरोमेटिक रिंग में लग गया. ऑलरेडी दीज टू आर हियर and the nitrogen is here and methyl group are here. CS3 is here and CS3 is here, means the one positive charge are present at the nitrogen position. So it is a benzenoidal form. ये ionic form है nitrogen पे, four valency है, इसलिए मैंने यहाँ positive charge attach किया है. Nitrogen के ऊपर four valency होने के कारण मैंने यहाँ पे positive charge लगाया है. It is a positive charge which are present at the nitrogen. एंड दीज आर टू मिथाइल ग्रुप, ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन से, वही बनाएंगे. तो इसको हम बोलते हैं क्विनोनाइडल फॉर्म. सो फाइनली यू नो दैट बेंजीनोइडल फॉर्म जो है ये अनआयनिक फॉर्म है. और जब अनआयनाइज फॉर्म में होता है मिथाइल ऑरेंज ये हम लोग, तो ये कैसा कलर देता है, येलो कलर. बट अगर ये आयोनाइज्ड होता है सॉल्यूशन में तो ये देता है, आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन में आयोनिक फॉर्म होता है तो ये देता है रेड कलर. ये हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज का. सो फाइनली मिथाइल ऑरेंज विल शोज द इट इज अ बेंजीनोइडल फॉर्म एंड इट इज अ क्विनोनाइडल फॉर्म. बेंजीनोइडल जो फॉर्म होता है ये अनआयनिक फॉर्म है, सॉल्यूशन में येलो कलर प्रोड्यूस करता है. जो क्विनोनाइडल फॉर्म है ये आयोनिक फॉर्म है, नाइट्रोजन इज हैविंग द आयन, SO3 इज हैविंग द माइनस चार्जेस हियर. सो फाइनली द आयोनिक फॉर्म विल जनरेट द रेड कलर. और जैसा कि आपको पता है कि जो ओस्टवाल्ड थ्योरी में भी हम लोग पढ़ रहे थे, जब कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करता है तो कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करने के कारण जो अपना इंडिकेटर है इट विल बी नॉट एबल टू आयोनाइज इन द सॉल्यूशन. Then it will produce your unionized form color, and when it will be ionized, just like a ionized, it will give the some other color. जैसे हम लोगों ने phenolphthalein की बात की थी, तो phenolphthalein indicator में भी जो हमारा Ostwald theory था पीछे, उस Ostwald theory में क्या था, phenolphthalein indicator weak acidic character का होता है, acid के अंदर जब हम उसको ले रहे थे तो ionized नहीं होता. Mean when it will not ionized, then it will not show colorless होता है. अगर बेसिक सॉल्यूशन में ले रहे थे तो बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है OH आयन, और फिनोलेथिलीन इंडिकेटर प्रोड्यूस करता है H+ आयन. सो फाइनली ड्यू टू द H+ आयन रिएक्ट फ्रॉम द OH आयन जनरेट द वाटर मॉलिक्यूल, बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल. तो ये रिएक्शन को आयनाइजेशन को फिनोलेथिलीन के जो NaOH है वो स्टिमुलेट करता है. इट विल बी स्टिमुलेट द आयनाइजेशन ऑफ फिनोलेथिलीन इंडिकेटर. सो फाइनली व्हेन द फिनोलेथिलीन इंडिकेटर विल बी आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन देन इट विल शो द पिंक कलर. तो उसका कंडीशन में ऐसा होना था. यहाँ मिथाइल ऑरेंज के इंडिकेटर के फॉर्म में अगर वो आयनाइज नहीं होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर तो ये येलो कलर शो करता है. अगर ये इंडिकेटर आयनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में तो ये रेड कलर शो करता है. सो थैंक्स, इट इज द थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर. बेसिकली दो थ्योरीज होती है, वन इज द फर्स्ट इज द ओस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरा जो होता है क्विनोनाइडल थ्योरी. थैंक यू, थैंक्स टू ऑल.